सीएम अशोक गहलोत और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की प्रतिष्ठा दांव पर। जी हां, सचिन पायलट के प्रदेशाध्यक्ष के पद से हटने के बाद राजस्थान में कांग्रेस पहली बार करेगी 6 नगर निगम के चुनाव का सामना। निकाय चुनाव टालने की याचिका सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज। निर्वाचन विभाग को अब 31 अक्टूबर तक चुनाव करवाने ही होंगे। यही नहीं, अब 129 निकायों में चुनाव करवाने का रास्ता भी साफ। देखिए सीके न्यूज की ये रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, छोटीकाशी.com के यूट्यूब चैनल सीके न्यूज में आपका स्वागत है। 8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें जयपुर, जोधपुर और कोटा के 6 नगर निगम के चुनाव कोरोना वायरस के कारण टालने का आग्रह किया था। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय विशेष बेंच के सदस्य जस्टिस A.N. खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि जब सरपंचों के चुनाव हो सकते हैं तो फिर कोरोना काल में नगर निगम के वार्ड पार्षदों के क्यों नहीं। इसके साथ ही कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश को बहाल रखा जिसमें 6 निगमों के चुनाव 31 अक्टूबर तक करवाने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिए हैं कि 1 सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना जारी की जाए। आयोग के पास अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। यदि समय की कोई कानूनी बाधा उत्पन्न होती है तो आयोग हाईकोर्ट से दिशा निर्देश प्राप्त कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही प्रदेश की 129 निकायों में भी चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। इन 129 निकायों के निर्वाचित पार्षदों का कार्यालय भी गत 20 अगस्त को समाप्त हो चुका है। सरकार प्रशासकों से काम चला रही है। सरकार को अब कोरोना वायरस की आड़ में इन निकायों के चुनाव टालने का मौका नहीं मिलेगा। 6 निकायों के चुनाव तो गत वर्ष से लंबित चले आ रहे हैं। आपको बता दें कि अब गहलोत और डोटासरा की प्रतिष्ठा दांव पर आंकी जा रही है, क्योंकि गत जुलाई से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से सचिन पायलट के हटने के बाद यह पहला अवसर होगा जब कांग्रेस को किसी चुनाव का सामना करना पड़ेगा। सरपंच के चुनाव राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह पर नहीं हुए, जबकि पार्षद के चुनाव भाजपा और कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर होंगे। कांग्रेस की राजनीति में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का प्रतिद्वंदी माना जाता है। जुलाई अगस्त में जब पायलट कांग्रेस के 18 विधायकों को लेकर दिल्ली चले गए तब पायलट से प्रदेशाध्यक्ष और डिप्टी सीएम के पद छीन लिए गए। हालांकि 1 माह बाद पायलट वापस कांग्रेस के साथ खड़े हो गए, लेकिन माना जाता है कि गहलोत और पायलट के मन नहीं मिले हैं। शायद पायलट को इस मौके की तलाश थी, वह अब नगर निगम के चुनाव के रूप में सामने आ रहा है। जोधपुर, जयपुर और कोटा के निगमों के चुनाव अब गहलोत और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को अपने दम पर लड़ना होगा। जोधपुर तो सीएम गहलोत का गृह जिला है, जबकि जयपुर प्रदेश की राजधानी है। सीएम गहलोत के सबसे भरोसेमंद नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल का गृह जिला कोटा है। यानी तीनों शहरों के 6 निगमों के चुनाव राजनीतिक दृष्टि से बहुत मायने रखते हैं। दिल्ली से जोधपुर वापसी के बाद भी पायलट को संगठन और सरकार में कोई पद या सम्मान नहीं मिला है। ऐसे में पायलट के समर्थकों, खासकर गुर्जर समुदाय में भारी नाराजगी है। प्रभारी महासचिव अजय माकन के सामने जयपुर और अजमेर में पायलट समर्थकों की नाराजगी आ चुकी है। इस नाराजगी के बाद शेष संभागों में राय शुमारी ही नहीं हो सकी। सरकार और संगठन में फिलहाल पायलट की कोई भूमिका नजर नहीं आ रही है। 6 निगमों के चुनाव परिणाम प्रदेश में कांग्रेस की दिशा तय करेंगे। इन चुनावों को लेकर पायलट के समर्थक बेहद उत्साहित हैं। उल्लेखनीय है कि गत लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत 500,000 मतों से पराजित हुए थे। छोटीकाशी.com के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, सीके न्यूज। आप देख रहे हैं छोटीकाशी.com। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।